एथिकल हैकिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए सब्सक्राइब करें अभी के अभी साइबर रिच यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप लेटेस्ट अपडेट ना मिस कर सकें। सो हे गाइस, दिस इज साइबर रिच बैक हियर विद अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू पास ईमेल वेरिफिकेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। जो मेरा चैनल है उस पर मैं हैकिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, तो अगर जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर ले, और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि थोड़ा मैं देख रहा हूँ मेरा चैनल हल्का हल्का सा ग्रो होने लगा है। तो जिन जिनको हैकिंग में इंटरेस्ट है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिनको नहीं है वो वीडियो देख के चले जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को सीधा हम लोग स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ईमेल वेरिफिकेशन को बाईपास करने की। तो कई बार ऐसा होता है आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जा रहे हो, उसको सर्व कर रहे हो और वहाँ पे वो लॉगिन करने के लिए आपका ईमेल मांगता है बस। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप अपना परमानेंट ईमेल या फिर अपना कोई सा भी पर्सनल ईमेल वहाँ पे दे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ लोगों को डर लगता है, तो इस जगह आप लोग काम कर सकते हैं। और दूसरा आता है, जो लोग मेरी तरह हैकिंग के लाइन में जा रखे तो उन्हें पता है कि कितने सारे जो ऐप्स होते हैं, हैकिंग के टूल्स होते हैं, उनको डाउनलोड करने के लिए भी और उनके अंदर भी हमें अपना ईमेल आईडी देना पड़ता है जो हमारा जीमेल का है या याहू का है। तो वो सेफ़ तो बिल्कुल होते नहीं है, क्योंकि देखो यार, वो खुद एक ऐप है, खुद एक जो टूल है, सॉफ्टवेयर है, जो भी है वो हैकिंग के लिए यूज़ होता है। तो हम क्या भरोसा कर सकते कि वो हमें ही वापस है कि हमें वापस हार्म नहीं करेगा। इस वजह से हम लोग अपना परमानेंट या फिर अपना जो भी पर्सनल ईमेल है हम यूज़ नहीं करते, हम ऐसे टैम्प मेल, फेक मेल या फिर प्रूफ मेलिंग वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाएं। तो सबसे पहले जो मैं आपको वेबसाइट बताने वाला हूँ उसका नाम है टैम्प मेल। बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों ने यूज़ भी किया होगा, लेकिन नहीं पता होता ना सब लोगों को। तो जो सबसे पहला आपका खुलेगा, आप इसको, मैं इसको न्यू टैब में ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा वेबसाइट है और सबसे ईजी भी है, इसमें कुछ नहीं करना। आप इसको गूगल प्ले से और ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले से हम अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल वेबसाइट से भी जा सकते हैं, या फिर इसका खुद का एक एप्लीकेशन है वो आप अपने फ़ोन में डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कुछ भी पकड़ा देगा, मतलब एक टेम्प्ररी मेल है, एक डिस्पोजेबल मेल है, मतलब आप इसको यहाँ से कॉपी करो और जहाँ भी आपको इसका यूज़ है वहाँ आप इसको पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो, और एक बार यूज़ करके भूल भी सकते हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। कोई पासवर्ड, कोई OTP की टेंशन नहीं होती इसके अंदर। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि ये OTP के बारे में मांग करता है, और अगर मान लीजिए आपने OTP किसी तरह दे भी दिया तो ये पासवर्ड भी मांगता है, हर जगह नहीं, किसी किसी वेबसाइट पे। तो वहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल वाला देना पड़ सकता है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी वेबसाइट जो आपका ईमेल और पासवर्ड मांग रही है वो, मतलब क्यों ही देना अपने ईमेल का पासवर्ड उसको। दूसरा जो हमारे पास आ जाता है, देखो इसका काम तो थोड़ा सा लगता, बाकी मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिसका जो है, मैं जो बता रहा हूँ वो डालना EKZ, और यहाँ पे आ जाएगा फेक मेल करके। आई थिंक स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग हल्की सी गलत है। ये वाला जो पहला वाला है ना, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो ये भी एक फेक मेलर का काम करता है। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए, ईमेल जिसको भेजना है, जिससे भेजना है, सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर फाइल भी अटैच करनी है तो अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे फिर जो कैप्चा आएगा उसको सॉल्व करके आप इसको सेंड कर सकते हैं। एक तो ये हो गई, और दूसरी हमारी यहाँ पे आपको मिलेगी एनोनिम मेलर, कुछ भी है ऐसे एनोनिमस टाइप का, ताकि आप लोग फंसे ना। इसमें भी अंदर सेम ही काम होता है, ये थोड़ा सा उससे एडवांस टाइप का लग रहा है। और एक चीज़ मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दूँ कि जितनी भी ऐसी वेबसाइट आपको मिलेंगी, जैसे मैं यहाँ पे एक बार जाता हूँ, बहुत सारी जो भी वेबसाइट हैं यहाँ पे, जितने भी सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उनमें से आधे तो फेक होते हैं, कोई काम नहीं करते। जैसे कि मैं आपको बता दूँ इसके बारे में, तो जब मैंने इस पर ट्राई करा, मैंने इसके अंदर सब कुछ वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कर दिया, सब डाला मैंने, लेकिन इसने मेल भेजा ही नहीं। मतलब ये तो मेरे को लगता काम नहीं करता, लेकिन इसने एक बार मेरा काम करा था। इसे जब मैंने भेजा अपनी ही मेल पे, अपनी ही मेल आईडी से मेल करा था मैंने एक नॉर्मल सा मेल, वो चला गया था। तो ऐसे आप 3-4 वेबसाइट अपनी मर्जी से जाके देख सकते हैं। एक बार सर्च करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, खुद से प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो पता लगेगा कैसे कैसे काम होता है। बाकी जो मुझे मेन इसके लिए बनाना था कि एक फेक मेल, एक टेम्प्ररी मेल कैसे बना सकते हैं, तो यही था आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आज को बताया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ये टेक्नोलॉजी, हैकिंग, एथिकल हैकिंग, वाइट हैट हैकिंग, इन सबसे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह डालता रहता हूँ। तो बंद करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे, और जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड।